पुलिस के साथ होने वाली किसी भी बातचीत या मुलाकात में आपके पास कुछ अधिकार है। आप चाहे किसी भी नस्ल या मूल के हो या आपकी आप्रवासी स्थिति चाहे जो भी हो, ये अधिकार लागू रहेंगे। पुलिस के साथ अपनी आप्रवासी स्थिति के बारे में चर्चा करना आपके लिए कभी भी अनिवार्य नहीं है। अगर अफसर को आपकी पहचान करनी होगी तो वे आपसे आपका आईडी मांगेंगे। अगर आपके पास तस्वीर वाला कोई आईडी है तो वो आपको देना होगा। अगर नहीं है तो आप अपना नाम, जन्म तिथि और पता बता सकते हैं। एक बार अपनी पहचान करवा लेने के बाद किसी और सवाल का जवाब देना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। अपनी भाषा में किसी दस्तावेज के अनुवाद या किसी दुभाषीय का अनुरोध करना आपका अधिकार है। ऐसे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है जिसे आप नहीं समझते। एपीडी नीति के हिसाब से अगर कोई अफसर आपकी आप्रवासी स्थिति के बारे में पूछता है तो उन्हें पहले ये स्पष्ट करना होगा कि जवाब देना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप चाहे तो चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि इस बारे में कभी भी किसी सवाल का जवाब देना आपके लिए अनिवार्य नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए थे, आप अमेरिका के नागरिक हैं या नहीं, या आप देश में कैसे दाखिल हुए। ऑस्टिन पुलिस विभाग या एपीडी की निगरानी करना पुलिस की निगरानी करने का कार्यालय की जिम्मेदारी है। हम ऑनलाइन, फ़ोन पर, आमने सामने या मेल के जरिए एपीडी के साथ होने वाली आपकी बातचीत और मुलाकातों के लिए शिकायतें और धन्यवाद स्वीकार करते हैं। आप चाहे तो शिकायत दर्ज करते समय गुमनाम रह सकते हैं। आपको कभी भी हमारे ऑफिस की कोई निजी जानकारी बताने या देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ।